आपके साथ। फारबिसगंज में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित दवा व्यवसायी के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी और साथ ही मदद का आश्वासन भी दिया। पूर्व सांसद स्थानीय बस स्टैंड हाईवे पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद वो सीधे दवा व्यवसायी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के भाई ललित केडिया और पुत्र पल्लव केडिया से घटना की जानकारी ली। परिजनों से मिलने के बाद पूर्व सांसद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि दवा व्यवसायी एक सीधे साधे व्यवसायी थे जिनकी हत्या कराई गई है। हत्या के समय उसकी पहचान भी की गई है। पूर्व सांसद ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार में सरकार संरक्षित अपराधी, शराब माफिया, जमीन की दलाली, ठेका स्मगलिंग और बालू के साथ साथ माफियाओं के द्वारा धन संग्रह करने का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की सरकार है और सरकार कुर्सी बचाने के लिए काम कर रही है। पांच बात है। पहली बात है कि सरकार संरक्षित अपराध, फर्स्ट शराब, सेकेंड जमीन की दलाली, थर्ड ठेका, चौथा स्मगलिंग, पांचवा बालू और छठा नेता पदाधिकारी अपराधी और माफियाओं का एक बड़ा नेक्सस इस बिहार में धन संग्रह करने, बहुत ही क्लियर है, इसको आप समझ लें। इस बिहार में 8,500 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी शराब की चल रही है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपया सरकार को क्षति। जितने छोटे छोटे टुच्चे, चोर, उचक्का थे, सबके पास 2,50,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 20,00,000 की गाड़ी हो गई, घर में एसी लग गया। ईडी की जांच नहीं होगी, लगभग पुलिस के प्रशासन और थाना करोड़पति हो चुके हैं शराब से। और इसमें पूरा का पूरा नेता टोटल इन्वॉल्व है स्मगलिंग लाइन में, जमीन के जिसको रियल एस्टेट आप कहते हैं उस दलाली में। कॉमन आदमी सुरक्षित नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। सरकार इसीलिए गंभीर नहीं है, पहले तो हम अपराध के मामले में यह बहुत क्लियर बता दें। लाश देखते देखते हम लाश बन चुके हरदीप। नीतीश बाबू के नालंदा में हम लगभग अभी 6 बार जा चुके हैं मर्डर में, सिर्फ मर्डर में। 2 सगे भाई की मर्डर, अजय पासवान और रामप्रीत पासवान। कल मैं फिर जा रहा हूं, 2 लड़कियों की मर्डर। उसके पहले 5 मर्डर में मैं जा चुका। 1 महीने के अंदर आप फारबिसगंज में आधा दर्जन मर्डर की बात कर रहे हैं, पटना में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा हत्या 1 महीने के अंदर हो चुकी है। राजधानी में, मुजफ्फरपुर में 1 महीने के अंदर लगभग 21 से 23 हत्या हो चुकी है, जिसमें मैं 18 हत्या में जा चुका। आज भी 2 ममेरे फुफेरे भाई की मर्डर में 10 बजे में गया आज, और उसके 5 दिन पहले मैं एक बुजुर्ग के मर्डर में गया, उसके पहले हम एक बाजार में एक व्यापारी के मर्डर में गए, उसके पहले प्रभाकर झा के मर्डर में गए, उसके पहले भीम आर्मी के अध्यक्ष के मर्डर में गए, उसके पहले एक शराब माफिया ने बिक्की को मार दिया उसके मर्डर में गए, उसके बाद फिर हम एक जितेंद्र मेहता को मार दिया उसके मर्डर में गए। मतलब 18 मर्डर में मैं जा चुका हूं 1 महीना के अंदर मुजफ्फरपुर, और रात जा रहा हूं जहां एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके जिंदा जला दिया ढाका, और थानेदार ने जलवा दिया।
अब हमें समझ में नहीं आता है, इकबाल डर और भय दहशत सब समाप्त है सरकार की। आम आदमी दहशत डर और भय के वातावरण में अपनी जिंदगी जीता है, कोई सुरक्षित नहीं है, किसी की घर की बच्ची सुरक्षित नहीं है, किसी का पिता लौटेगा कि नहीं, किसी के बच्चे लौटेंगे कि नहीं, यह बिहार के लिए बिल्कुल फिक्स्ड हो चुका है कि अब नहीं लौटना है और सरकार मस्त है। मैं कल भी ऋतुराज के पत्नी से मैं मिला एयरपोर्ट से उतरते, मेरा बहुत क्लियर है कहना कि ऋतुराज यदि मर्डरर है तो मोटिव क्या है, यदि पवन केड़िया की हत्या हुई है तो उसके पीछे मोटिव क्या है, और 43 दिनों के बाद पवन केड़िया जी की हत्या का मोटिव का पता नहीं चल पाया, कहीं छिनतई की तरह मर्डर हुई, कहीं खेत के कारण मर्डर हुई, कहीं अहंकार में मर्डर हुआ, लेकिन पवन केड़िया जी ना तो खेत है, ना तो अहंकार है, ना तो छिनतई है, इसके पीछे मर्डर के कारण क्या है ये मोटिव अभी तक सरकार, मैंने उस वक्त भी सरकार से कहा था डीजी से कि एक पटना से एसआईटी टीम की आप गठन करिए और पवन केड़िया की मर्डर का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, मर्डर हो गया चले गए आप लौटा नहीं देंगे, सरकार हमेशा कहती है कि मैं मर्डर का अपराधी पकड़ लिया, अरे मैं सरकार से पूछता हूं जिस अपराधी को जिस दिन आप मर्डर के चलते पकड़ते हैं क्या आप उसके बाद यह कह सकते हैं कि अब मर्डर नहीं होगी, किसी फैमिली की सुरक्षा की गारंटी आपकी है, क्यों अपराधियों को कंप्लीट रूप से फलने फूलने दिया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के धन संग्रह करने का और राजनीतिक नेताओं के धन संग्रह करने का सबसे बड़ा जरिया जमीन बालू ठेका और शराब है, इसका आधा पैसा नेता और नेताओं की पार्टी में इन्वॉल्व, बालू और जमीन के इंटायर धंधे में नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है और उसमें बगैर अपराधी माफियाओं का यह धंधा हो ही नहीं सकता, और शराब माफिया पुलिस से मिली भगत है पूरी तरह, तो आप पकड़ेंगे किसको, मारेंगे किसको, डराएंगे किसको, दिया खौफ, मैं बार बार कह रहता हूं सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट है ये, गुलाब बाग और फारबिसगंज एशिया की सबसे नंबर वन, एशिया का, हम वर्ल्ड को इंडिया को शेयर करते थे कभी गुलाब बाग और फारबिसगंज के मंडी से, यहां के कृषि उत्पादन से और बाजार नेपाल के बाजार से, हम नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा जोगबनी और फारबिसगंज की इकोनॉमी इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में बना सकता हूं, लेकिन आज स्थिति यह है कि हम वर्ल्ड की इंटरनेशनल मार्केट को जोड़ते हैं जोगबनी फारबिसगंज से, लेकिन फारबिसगंज जोगबनी में ना तो पीस है ना तो इकोनॉमी है, गरीबी का आलम यह है कि हम इंडिया में नंबर वन जगह पर अररिया फारबिसगंज किशनगंज सुपौल ये नंबर वन कटिहार आता है गरीबी में, 6000 रुपया मात्र पर कैपिटा इनकम, तो अब आप हमको बताइए कि एक इतना बड़ा बाजार, इतना बड़ी मंडी, इतना बड़ा इंटरनेशनल मार्केट, इतना बड़ा इंटरनेशनल मार्केट की इकोनॉमी और उसके बाद हमारा हाथ खाली और हमारा यूथ बेरोजगार, तो ये बेरोजगारी के आलम ने शराब, नीतीश कुमार जी का जिद, नीतीश कुमार जी का अहंकार, नीतीश कुमार जी का कि शराब, अब नीतीश कुमार जी को शायद ये पता नहीं है 4800 ट्रक डेली इस बिहार में आता है डेली अन्य राज्यों से, और हमारी पूरी इकोनॉमी बंगाल नेपाल झारखंड उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जाती है पूरी इकोनॉमी, तो इसीलिए जो घटना घटी था मैं बड़े
लेवल पर एसआईटी जांच की मांग करता हूं, ये जिला लेवल पर नहीं। और ये परिवार के लिए और फारबिसगंज के लिए जानना जरूरी है कि 43 सालों से एक व्यापार में काम करने वाला एक फैमिली जिसका किसी से मतलब नहीं और उसके छोटे भाई को मार दिया गया, यही है कौन है उसके पीछे जिसने इस परिवार को मरवाया? क्योंकि जिसने मारा है वो कारण नहीं है, किसी ने इनके भाई को मरवाया है, मारने वाला कोई और है, मरवाने वाला कोई और। बहुत क्लियर है, मैं जितना समझा इनके भाई से या जितना मैंने जाना उसमें बहुत क्लियर हूं, मारने वाला जो क्रिमिनल है वो अपने निजी कारणों से इनके भाई को नहीं मारा, किसी ने मरवाया है तब उसने कहा कि यही है, किसी ने पहचानवाया है, मारने वाला मारा है, बस इतना मैं कह सकता हूँ। आगे कुछ पूछना होता आप पूछो। हत्याकांड के 43 दिन बीत गए हैं, ये पीड़ित परिजन को न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए शराब का धंधा प्रतिदिन आश्वासन देती है, नहीं उससे पहले कई पॉलिटिशियन ने भी आश्वासन दिया है, आज पहली बार आप भी आए हैं, आखिर इनको न्याय कैसे मिलेगा? देखिए मैं पॉलिटिशियन के बारे में नहीं जानता हूँ क्या पॉलिटिशियन करते हैं, जो पॉलिटिशियन बोले होंगे उनकी सत्ता है, उनको पहले आप ये कहिए कि यदि आपको एक हत्यारे को और एक माफियाओं को चुनौती देने की ताकत नहीं है तो सत्ता से उनको रिजाइन कर देना चाहिए, कुर्सी पर बैठने का कोई राइट नहीं, या सरकार नहीं चल रही है, ये सरकार बस आप इतने समझिए कि सत्ता के लिए घिनौनी हरकत दोनों गठबंधन कर, इनको अपनी कुर्सी से फुर्सत होगा तब ना पवन केदिया जी की सुरक्षा करेंगे। सर पब्लिक की विडंबना तो यही है, जो सत्ता में हो न्याय नहीं कर सकते हैं, जो न्याय जिससे न्याय की उम्मीद है वो सत्ता में नहीं है, मैं पीड़ित क्या करे? देखिए मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, मैं तो कंप्लीट इस मामले में साफ हूं, रुपेश की हत्या हुई विद इन 7 मिनट में मैंने नाम लिया और मैं आज भी तटस्थ हूं कि रुपेश के मर्डर में बड़े नेता, बड़ा ठेका और लड़की, ये इन्वॉल्व, मारा ऋतुराज है, वो हो सकता है मारा उसने, लेकिन किस सीआरपीसी के तहत उसकी पत्नी को नंगा करके मारा गया, मेरा यहां सवाल था। ऋतुराज मर्डरर, यदि सरकार कह रही है तो मैं भी कह रहा हूं मर्डरर है, लेकिन सरकार ने जो मोटिव दिया है वो मोटिव नहीं है, मोटिव मारने का बिल्कुल गलत है, सरकार नेता और बड़े पदाधिकारी को बचा रही है, जिसमें मैंने एक बार नहीं 1,00,000 बार कह चुका हूं कि इसके पीछे 7 बड़े IAS है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, फिर मैं आज यह सवाल उठा रहा हूं कि बिहार में अपराधी माफिया ठेकेदार को 2.5-5 लाख रुपया में आप लाइसेंस राइफल का बांटते हैं और उसके बाद वो समाज पे रौब दिखाता है, राइफल का 250-350 राइफल, ये सवाल पहली बार मैंने कटिहार कलेक्टर के बारे में उठाया और मैं आज भी तटस्थ हूं, इस बिहार में लगभग 45,000 लाइसेंस माफिया अपराधी और बड़े से बड़े ठेकेदार को 4-3 लाख रुपए में दिए गए हैं, जो समाज के लिए अभिशाप बन गए, मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी रुपेश की तब तक चैन से नहीं बैठे, फर्स्ट, और जो जो नेता पदाधिकारी इन्वॉल्व है उसको नंगा करें। चूंकि हमारा लड़ाई अभी फार्मर्स को लेकर के बड़े लेवल पर है और डे टू डे हम लोग सड़कों पर हैं, इसलिए मैं थोड़ा इन्वॉल्व इस आंदोलन, मैं पटना से एसआईटी की डिमांड करता हूं और कल ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा कि इस केस में आप एसआईटी करें, एक दूसरा मैं कोशिश करूंगा कि हर परिस्थिति में सरकार
फारबिसगंज जैसे बाजार में कैसे पीस का की संभावना व्यक्त हो, इसके लिए निश्चित रूप से एसपी एएसपी टाइप के एक पद का सृजन हो निश्चित रूप से। और फारबिसगंज जोगबनी जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, इस शहर की सुरक्षा सरकार चैलेंज के साथ ले ताकि आम आदमी इस इलाके का डेवलप कर सके। मैं कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री से कल नालंदा से लौटने के बाद मिलने का इस सवाल।